की 2021 पीपीएल का आठवां दिन आज है। तो वहीं न्यूज इंडिया वर्सेस ईटीबी भारत का मुकाबला देखने को मिलेगा। न्यूज इंडिया की टीम ने टॉस जीता है। बड़ी खबर, पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है न्यूज इंडिया की टीम ने। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको बताने जिस तरीके से दैनिक भास्कर को हराकर न्यूज इंडिया आगे बढ़ा और अब एक बार फिर से न्यूज इंडिया ने टॉस जीता है, जहां पर कह सकते हैं ये जीत की शुरुआत न्यूज इंडिया की होती हुई नजर आई है, जहां पर न्यूज इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला यहां पर लिया है। न्यूज इंडिया वर्सेस ईटीबी भारत का आज मुकाबला देखने को मिलेगा। और आपको बता दें कि पिछला जो मुकाबला हुआ था उसमें दैनिक भास्कर 5 बार चैंपियन रह चुकी है, लेकिन न्यूज इंडिया एक नई टीम और पहली बार खेलने के लिए पहुंची थी, जहां पर न्यूज इंडिया ने दैनिक भास्कर को हराकर अपने नाम जीत हासिल कर लिया। और अब एक बार फिर से मैदान में न्यूज इंडिया और साथ ही साथ ईटीवी भारत के साथ ये मुकाबला यहां देखने को मिलेगा। फिलहाल न्यूज इंडिया ने टॉस जीत लिया है और उम्मीद ये भी है सभी पूरी जनता को कि न्यूज इंडिया भी इसी मैच को जीतेगा और वहां पर न्यूज इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला ले लिया है। पीपीएल का आज आठवां दिन है। तो वही जोश और वही दमखम के साथ न्यूज इंडिया फिर से मैदान में उतरती हुई नजर आई है, जहां पर न्यूज इंडिया ने टॉस जीत लिया है। टॉस जीतकर न्यूज इंडिया ने अभी फिलहाल यही बता दिया है, कहीं ना कहीं यहां पर न्यूज इंडिया ने जीत का जो आगाज था वो यहां कर दिया है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लाइव तस्वीर ग्राउंड मैदान से आप देख रहे हैं, जहां पर ये न्यूज इंडिया वर्सेस ईटीवी भारत, ये दोनों ही टीम यहां पर मौजूद है। फिलहाल न्यूज इंडिया ने बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। ये जयपुर स्टेडियम की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, तो जयपुरिया स्टेडियम की लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर दोनों ही टीम मौजूद हैं। अब थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है। यह मैच काफी ज्यादा रोमांच होने वाला होगा, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज इंडिया पहली एक नई टीम है, जहां पर वो अब बल्लेबाजी करेगी, जिस तरीके से न्यूज इंडिया ने दैनिक भास्कर, जबकि दैनिक भास्कर 5 बार चैंपियन रह चुकी है, उसके बावजूद भी न्यूज इंडिया पहली बार मैदान में उतरी, जहां पर न्यूज इंडिया ने इतिहास रचते हुए ये जीत अपने नाम कर ली। और अब ये दूसरा मुकाबला न्यूज इंडिया के साथ ईटीवी भारत का, तो अब देखने वाली बात हो किस तरीके से ये जीत किसके खाते में जाती है। फिलहाल ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर जयपुरिया स्टेडियम से, जहां पर दोनों ही टीम मौजूद हैं। मेरे संवाददाता भी वहां से जुड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बड़ा और अच्छा ये रोमांचक यहां देखने को मिलेगा, बड़ा मुकाबला यहां देखने को मिलेगा, जहां पर ईटीवी भारत और साथ ही साथ न्यूज इंडिया का जो बीच का मुकाबला होगा ये देखने को मिलेगा। थोड़ी देर में मैच शुरू होने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूज इंडिया ने फिलहाल टॉस जीत लिया है, जहां पर न्यूज इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। पीपीएल का आज आठवां दिन है, जिसमें न्यूज इंडिया वर्सेस ईटीवी भारत। वो कहते हैं ना कि जिसको कमजोर समझा जाता है वही सबसे आगे बढ़ता है। सिर्फ दिखने से कुछ नहीं होता, ताकत जो होती है, मन में जो विश्वास होता है, वो न्यूज इंडिया ने करके दिखाया। जिस तरीके से जब न्यूज इंडिया पहली बार मैदान में उतरी तो यहां पर सभी लोगों ने उनका थोड़ा मजाक भी बनाया, लोगों ने हंसी भी की, क्योंकि जिस तरीके से न्यूज इंडिया ने मैच में कभी खेली नहीं थी, लेकिन जब मैदान में आई दैनिक भास्कर के सामने, क्योंकि दैनिक भास्कर 5 बार चैंपियन रह चुका है, उसके बावजूद भी न्यूज इंडिया ने जो मुकाबला किया, जो सामना किया, वो काबिले तारीफ था।
और जिस तरीके से खेल आगे बढ़ता गया वैसे वैसे ही ये जो मुकाबला काफी रोमांच होता चला गया, जहां पर न्यूज इंडिया ने दैनिक भास्कर को हराकर जीत अपने खाते में कर ली। और एक बार फिर से दूसरा ही मुकाबला यहां देखने को मिल रहा है, जहां पर न्यूज इंडिया के साथ ईटीबी भारत टीम सामने खड़ी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या न्यूज इंडिया की टीम इस जीत को बरकरार रखती है या फिर यह जीत ईटीबी भारत के खाते में जाती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल न्यूज इंडिया ने टॉस जीत लिया है और कह सकते हैं न्यूज इंडिया की ये जीत की जो शुरुआत है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि टॉस जीतकर न्यूज इंडिया ने अभी फिलहाल यही साबित कर दिया है कि हम इस मैच को भी जीत सकते हैं। और थोड़ी देर में यह मैच शुरू होने वाला है, जहां पर ये शानदार पारी देखने को मिलेगी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुरिया स्टेडियम से लाइव जुड़े हुए हैं मेरे संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत। लखवीर, फिलहाल क्या कुछ तस्वीर, क्या कुछ माहौल? बिल्कुल ऋचा, बताना चाहूंगा कि जयपुरिया क्रिकेट ग्राउंड पर जो मैच है वो चल रहा है, न्यूज इंडिया की टीम बनाम ईटीवी भारत के बीच मुकाबला है। दोनों ही टीम ने एक एक मुकाबलों में जीत दर्ज की है। न्यूज इंडिया अपनी पहली जो टॉस जीता है उसमें पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है न्यूज इंडिया की तरफ से। ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर प्रतीक शर्मा और मुबारक खान क्रीज पर उतर चुके हैं और मैच शुरू हो चुका है। लाइव तस्वीरें आप न्यूज इंडिया पर देख पाएंगे। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी लव कुमार आपको पल पल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देख सकते हैं ईटीवी भारत की टीम और न्यूज इंडिया की टीम, दोनों टीमें क्रीज पर उतर गई हैं, स्टेडियम पर उतर गई हैं और मैच शुरू हो चुका है। तो ये पहला मैच है आज के दिन का जिसको लेकर लगातार सभी की निगाहें टिकी हुई थी कि किस प्रकार का मैच होगा, क्योंकि दोनों ही टीमें पहली बार पीपीएल लीग में हिस्सा ले रही हैं। इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि दोनों ही टीमों ने एक एक मुकाबला इस पूरी सीरीज का जीत लिया है। और देखिए शानदार 4 रन, तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि प्रतीक ने अपने बल्ले से शानदार 4 रन मारे हैं और शानदार तूफान में बल्लेबाजी शुरू हुई है। मेरे सहयोगी सुशीला शर्मा भी मौजूद है। सुनील सर, मैच की शुरुआत हो गई है, पहला चौका न्यूज इंडिया की टीम ने मार दिया है। जी हाँ, खूबसूरत मौसम, खूबसूरत मैदान और खूबसूरत चौका, एक बहुत ही शानदार शुरुआत इस समय पर न्यूज़ इंडिया की तरफ से हो चुकी है। और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जिस प्रकार जिस चीज़ के लिए न्यूज़ इंडिया जानी जाती है कि वो बैटिंग लाइन उनकी बहुत अच्छी है और आतिशबाजी करते हैं मैदान में, ठीक वैसा ही नज़ारा उन्होंने शुरुआत कर दी है। दोनों टीमें पहली बार इस सीरीज़ में हिस्सा लेने जा रही हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए अगर खासतौर पर बात की जाए, बैटिंग भी सॉलिड है, बॉलिंग भी सॉलिड है, फील्डिंग भी सॉलिड है, लेकिन विपक्षी टीम को कम आंकना गलत होगा। किस प्रकार से देखते हैं, ईटीवी भारत भी पहली बार हिस्सा ले रही है, एक मैच में जीत दर्ज की है, दूसरा मैच आज न्यूज़ इंडिया के साथ है। जी हाँ, एक खूबसूरत क्रिकेट यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि दोनों टीमें अच्छी हैं। न्यूज़ इंडिया को भी जब पिछले टाइम मैच में उतरे थे तो उनके पास अनुभव नहीं था, लोग कह रहे थे अनुभव नहीं है, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने दैनिक भास्कर को हराया ठीक उसी प्रकार का क्रिकेट भी आज यहाँ देखने को मिल रहा है। ईटीवी भारत को अनुभव है, परंतु जो न्यूज़ इंडिया की टीम है वो आज पूरे हौसले, पूरे आत्मविश्वास से लबरेज होकर उतरी है। महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 5 बार की विजेता टीम को न्यूज इंडिया ने पहले मैच में हराया, आज पहली बार हिस्सा ले रही ईटीवी भारत सामने है। और तस्वीरों में देखिए पहला दूसरा चौका लगा दिया है प्रतीक शर्मा ने। प्रतीक के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है सुनील जी, क्योंकि पिछली बल्लेबाजी जो की थी 95 रन हासिल किए थे, विस्फोटक बल्लेबाज हैं, न्यूज इंडिया के ओपनिंग कर रहे हैं। जी हाँ, प्रतीक का जो जिस तरीके से उनका बल्ला है वो असल में जीत का प्रतीक है न्यूज़ इंडिया के लिए, और लगता है जिस प्रकार से वो अपने बल्ले का मुंह खोल रहे हैं वो आगे जाकर एक बड़े स्कोर में तब्दील होने जा रहा है। और निश्चित तौर पर प्रतीक जब खेलते हैं तो वाकई में वो शॉट जो होते हैं दर्शनीय होते हैं, स्पेक्टेकुलर शॉट जिसे कहा जाता है क्रिकेट की भाषा में, वो स्पेक्टेकुलर शॉट्स होते हैं। बिल्कुल, मेरे साथ हमारे सहयोगी राकेश जी भी जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला ईटीवी भारत और न्यूज़ इंडिया के बीच, दोनों टीम पहली बार हिस्सा लेने जा रही हैं, दोनों टीमों ने एक एक मैच जीत भी लिए हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि 5 बार की विजेता टीम को पहले मैच में हराया, ईटीवी भारत नई टीम है, किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो जीत पक्की है क्योंकि जिस तरीके से पहले मैच में स्कोर दिया गया था, काफ़ी अपने आप में पहली बार टूर्नामेंट में शामिल हो रहे हैं, और जिस तरीके से फर्स्ट मैच में स्कोर दिया गया था अपने आप में बल्लेबाजों के हौसले बुलंद हैं।
और महत्वपूर्ण बात यह है इस पिच का आउटफील्ड काफ़ी तेज है, तो जाहिर सी बात है स्पिनर्स कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। बैटिंग लाइनअप न्यूज इंडिया का काफ़ी बेहतर है क्योंकि 8 से 9 बेहतरीन बल्लेबाज इसमें हैं और ऑलराउंडर्स ज़्यादा हैं, यानी कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों बेहतर है। तो जाहिर सी बात ईटीवी भारत के साथ मैच जो मैच है, ईटीवी भी अपने आप में अच्छी टीम कही जाती है, लेकिन जिस तरीके से ओपनिंग हुई है प्रतीक और मुबारक जिस तरीके से ओपनिंग शुरू कर चुके हैं अपने आप में महत्वपूर्ण, जिस तरीके के चौके अभी आपने देखे ये मान के चलिए हौसला बुलंद मैच जीतेंगे। राकेश जी वाकई में सही कहा आपने, बैटिंग और बॉलिंग का सामंजस्य न्यूज इंडिया की टीम में बरकरार है। यही कारण रहा कि पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, क्योंकि पहले मैच में भी न्यूज इंडिया ने बल्लेबाजी की शानदार विस्फोटक पारी करी और 5 बार की विजेता टीम को हराया। ईटीयू भारत पहली बार की टीम है, साफ तौर पर अगर देखा जाए तो बॉलिंग और फील्डिंग इनकी कमजोर मानी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कितना मजबूत मानते हैं, क्योंकि प्रतीक शर्मा विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं ओपनिंग कर रहे हैं, क्या लगता है कितना चीज कितना टारगेट मजबूत टारगेट दे पाएंगे? देखिए महत्वपूर्ण इस समय यह है कि विपक्ष को कमजोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अनिश्चित खेल होता है ये, और जिस तरीके से कहीं ना कहीं ओपनिंग जोड़ी की बात करें, तमाम बल्लेबाजों की बात करें, तो जाहिर सी बात है किसका दिन होगा, कौन अच्छा खेलेगा, कौन सेंचुरी मारेगा, ये अपने आप में पूरी तरीके से क्रिकेट का जो गेम है अपने आप में कुछ भी निश्चित नहीं होता है, कौन सी बॉल किसके स्टंप उड़ा देगी, कौन चौका मार देगा, जाहिर नहीं होता है। लेकिन हम आज भी जिस तरीके दैनिक भास्कर के खिलाफ खेले, ईटीवी भारत के खिलाफ भी उसी तेजी के साथ में उसी जोश के साथ में खेल रहे हैं, और मैंने पहले भी जिक्र किया है बैटिंग लाइन हमारा बहुत मजबूत है, बॉलिंग लाइन बहुत मजबूत है, मेरे सहयोगी जो लगातार पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है अपने आप में पूरे जोश और खरोश के साथ में बैठी हुई है, और जाहिर सी बात है क्योंकि एक मैच जीतने के बाद में, उद्घाटन सत्र का मैच जीतने के बाद में जाहिर सी बात है जोश होना स्वाभाविक है, लाजमी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हमारा जो ओपनिंग ऑर्डर है अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्डर है। प्रतीक शर्मा जो 95 पर पिछली बार कहीं ना कहीं आउट हुए थे, 95 का स्कोर उनका था, मुबारक अपने आप में लेफ्टी खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, उसके बाद में रन फर्स्ट ऑर्डर पर जो है अविनाश है, तो कुल मिलाकर के लाइनअप बहुत अच्छा है, बैटिंग लाइनअप बॉलिंग लाइनअप ऑलराउंडर्स बहुत अच्छे हैं, आज की भी उम्मीद हमारी यही है कि मैच श्योर जीतेंगे। वाकई में न्यूज इंडिया के पास बल्लेबाज भी हैं, बॉलर भी हैं, फील्डर्स भी हैं, ऑलराउंडर्स की संख्या ज़्यादा है, ऐसे में जिस प्रकार से दैनिक भास्कर के साथ पहला मुकाबला हुआ था, दैनिक भास्कर ने कमजोर रखा था न्यूज इंडिया को, लेकिन न्यूज इंडिया ने बहुत बढ़िया शिकस्त दी 5 बार की विजेता टीम को, ऐसे में कम आंकना गलत होगा क्योंकि ईटीयू भारत भी पहली बार हिस्सा ले रही है। देखने वाली बात होगी कि एक एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस को आंका जाएगा कि किस प्रकार से खिलाड़ी खेलते हैं, किस प्रकार की बल्लेबाजी होगी, किस प्रकार की फील्डिंग होगी, किस प्रकार की बॉलिंग होगी, कम आंकना गलत होगा। मेरे सहयोगी उमंग माथुर भी मेरे साथ मौजूद हैं, उमंग जानना चाहूंगा किस प्रकार से देख रहे हैं मैच को, शुरुआत हो गई है, न्यूज इंडिया पहले बल्लेबाजी करने जा रही है, बल्लेबाजी के लिए जानी भी जाती है, और विस्फोटक बल्लेबाज प्रतीक शर्मा क्रीज पर हैं। बिल्कुल लखवीर, जिस प्रकार से अभी सभी ने देखा टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है न्यूज इंडियन की टीम ने, और इस फैसले को सही साबित कर रहे हैं हमारे बल्लेबाज प्रतीक और मुबारक खान, लगातार चौके की बरसात यहां पर देखी जा रही है। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी नीरज शर्मा भी जुड़ चुके हैं, टीम का एक मजबूत हिस्सा है। नीरज जी किस प्रकार से देखते हैं आज के मैच को? देखिए आज का जो मैच है काफी महत्वपूर्ण है न्यूज इंडिया के लिए भी, और जिस तरीके से धुआंधार बल्लेबाजी की शुरुआत कर दी है न्यूज इंडिया की टीम ने, जो ओपनिंग जोड़ी है मुबारक और साथ में प्रतीक दोनों ही शानदार खेल रहे हैं, 1.2 गेंदों के अंदर ही हम देख सकते हैं कि जो रन है 15-16 रन निकाल चुके हैं, और एक बार फिर से देखिए बाउंड्री पार 3-3 प्लेयर्स को भागना पड़ रहा है, स्थिति ये कर दी है, तो कुल मिलाकर के ओपनिंग बेहद शानदार रही है, और दूसरी ये ओपनिंग जोड़ी जो है ये अपने आप में जानी जाती है उठा उठा करके मारने के लिए, तो स्ट्राइकर्स हैं अच्छे स्ट्राइकर्स न्यूज इंडिया के पास में। ईटीवी भारत की बात करें तो पिछला मैच जो है एक तरीके से उनका मॉरल डाउन इसलिए हो गया था क्योंकि महानगर ने उनको एक तरीके से पास किया था, हालांकि महानगर का कुछ टेक्निकल कमेटी मामला चला गया था, इस वजह से जो है ईटीवी को दोबारा से मैच के अंदर मौका मिला है, लेकिन निश्चित रूप से ये अगर मैच जीत जाती है तो नेक्स्ट मैच जो है महानगर से है, और महानगर चूंकि नहीं खेलने का फैसला कर चुकी है, ऐसे में न्यूज इंडिया का क्वार्टर फाइनल में जाना तय हो चुका है। जी बिल्कुल, अहम भी हो जाता है, काफी अहम भी हो जाता है, क्योंकि एक मजबूत टीम के लिए हौसला अफजाई काफी महत्वपूर्ण होती है, और न्यूज इंडिया के तमाम समर्थक, न्यूज इंडिया के तमाम जो खिलाड़ी हैं वो लगातार हौसला अफजाई टीम की कर रहे हैं, इसी का कारण है कि न्यूज इंडिया ने पहले मुकाबले में 5 बार की विजेता टीम को हराया, और आज भी जिस प्रकार से ओपनिंग हुई है बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन न्यूज इंडिया की टीम कर रही है, और तमाम जितने भी समर्थक हैं न्यूज इंडिया के, चाहे वो खिलाड़ी हों या फिर जो न्यूज इंडिया के तमाम कार्यरत कर्मचारी हैं, लगातार हौसला अफजाई टीम की कर रहे हैं, और इसी का कारण है कि लगातार बैट्समैन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी से बातचीत करते हैं, हमारे साथ राजेश हैं, राजेश बेहतरीन क्रिकेटर भी हैं, खेलेंगे भी अभी, किस प्रकार से देखते हैं पहले बल्लेबाजी कर रही है न्यूज इंडिया? देखिए न्यूज इंडिया पहले टॉस जीत के बैटिंग कर रही है, और पिछली बार की तरह हम शानदार जीत हासिल करेंगे, प्रतीक और मुबारक हमारे पिच पे हैं, शानदार स्ट्रोक आपको देखने को मिल रहे हैं, बैटिंग चल रही है, तो कुल मिला के है कि हमारी टीम बहुत सपोर्टर और बहुत टीम मजबूत है, हम मैच जरूर जीतेंगे।
वाकई में एक पत्रकार का जीवन ऐसा होता है कि अपनी खबरों से अपडेट रखने के लिए जनता को वो अपने परिवार को समय नहीं दे पाता है, लेकिन न्यूज़ इंडिया की टीम का हौसला अफजाई करने के लिए हमारे पत्रकार साथी रहमतुल्लाह खान भी खबरों को छोड़कर एक बार टीम की हौसला अफजाई करने आए। रहमत, क्या लगता है, हौसला अफजाई करने आए, टीम जीतने जा रही है? बिल्कुल, टीम जीतने जा रही है, यही उम्मीद है कि वो फाइनल जरूर पार करेगी। और पहले दिन जब मैच हुआ था उसमें भी प्रतिद्वंदी टीम दैनिक भास्कर को हराकर जीती थी, आज दोबारा मैच हो रहा है ईटीवी भारत के सामने, आज का मुकाबला भी न्यूज इंडिया टीम जीतेगी और उम्मीद है कि जल्द ये आज का मुकाबला जीतेगी। वाकई में देखना लाजमी भी है कि किस प्रकार का मुकाबला होता है, क्योंकि पहली बार ही दोनों टीमें हैं जो सीरीज में हिस्सा लेने जा रही है। न्यूज़ इंडिया के कप्तान दीपक चावला भी मौजूद हैं। दीपक, पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है, बैटिंग ऑर्डर न्यूज़ इंडिया का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसी की वजह से ये फैसला लिया? बिल्कुल, हमारी जो ताकत है न्यूज़ इंडिया टीम की जो ताकत है वो बैटिंग है, और हमारे जो ओपनर बैट्समैन है प्रतीक है वो इस समय बैटिंग कर रहे हैं, राइट हैंडेड बैट्समैन है, और मुबारक खान लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, दोनों ही काफ़ी मजबूत पिलर हैं न्यूज़ इंडिया टीम के। वन डाउन अविनाश जाएगा, जो कि जिस पिछले मैच में उन्होंने एक बेहतरीन पारी की थी। इसके अलावा सेकेंड डाउन मैच जाऊँगा, और उसके बाद राजेश है, दीपक है, ब्रजेश है, राकेश शर्मा है, कई सारे हमारे बड़े जो नाम है, बड़े खिलाड़ी है, वो टीम में मौजूद है। और इसके साथ ही हमने पहले टॉस जीता है, टॉस जीतने के साथ ही हमने बैटिंग का पहले फैसला लिया है, और उम्मीद करते हैं कि जो फैसला लिया है हम उसे बिल्कुल एक साबित करेंगे। और इसके अलावा जो टारगेट है वो पिछली बार हम 180 रन का हम टारगेट दे पाए थे दैनिक भास्कर को, और 5 बार ये जो चैंपियन दैनिक भास्कर है उनको जो है हमने हराया था, तो हम उम्मीद करते हैं ईटीवी भी एक अच्छी और मजबूत टीम है, ईटीवी को भी हम हराएंगे। और हम जिस तरह से अपडेट ये आई है, महानगर टाइम शायद इस लीग का जो है वो विरोध कर रही है, शायद उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई की तो वो उनसे नाराज है, तो इससे पहले वाला मैच उन्होंने वॉक ओवर कर दिया, तो उसका नतीजा रहा कि भास्कर को विजेता घोषित कर दिया। न्यूज़ इंडिया का मैच भी एक महानगर से होने वाला है, अगर वो उसको भी वॉक ओवर कर देती है तो डेफिनेटली आज का मैच जीतने के बाद लीग की पहली ऐसी टीम, ऐसी टूर्नामेंट की पहली ऐसी टीम होगी जो कि क्वार्टर फाइनल में सीधा सीधा पहुंचने वाली है। आज बस अब से घंटे डेढ़ घंटे का शेष है, तब ये अपडेट, ये खुशखबरी आ जाएगी न्यूज़ इंडिया के तमाम दर्शकों को भी, और जो न्यूज़ इंडिया के फॉलोअर्स हैं उनको भी अपडेट आ जाएगी कि न्यूज़ इंडिया टीम ने आज जीत लिया है, और हमारे जो ओपनर बैट्समैन वो अभी तक खेल रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक लंबा टारगेट आज हम उनको देंगे, कम से कम 200 के आसपास। तो वाकई में समर्थकों में उत्साह है वो देखते ही बनता है, और भी समर्थक जो न्यूज़ इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। विशाल जी, न्यूज़ इंडिया की टीम बैटिंग कर रही है, तूफानेबाज या यूं कहें कि धुआंधार बल्लेबाज प्रतीक क्रिस पर है, किस प्रकार से देखते हैं? जी बिल्कुल, प्रतीक अभी बहुत बढ़िया फॉर्म में खेल रहे हैं, जिस प्रकार वो पिछले मैच में खेले हैं काबिले तारीफ था, बहुत ही खूबसूरत फॉर्म है। बाकी खिलाड़ी भी बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस करने के बाद ग्राउंड में उतरे हैं, और जी हाँ बिल्कुल पिछले मैच की तरह इस मैच में भी शानदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद है, और बॉयज़ बहुत बढ़िया खेल रहे हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, तो आज भी आपको खुशखबरी ही देंगे, हमारी टीम आज भी जीतेगी। तो वाकई में तमाम समर्थकों में उत्साह है जो देखते ही बनता है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि पत्रकार जो होते हैं फील्ड में लगातार काम करते हैं, लेकिन पल पल की अपडेट खेल के माध्यम से पल पल की अपडेट पहुंचाना भी जरूरी होता है, क्योंकि खबर ही जीवन है, और इसी उद्देश्य से न्यूज़ इंडिया और तमाम जितनी भी टीम है वो लगातार मैच के साथ साथ ही तमाम खबरें अपने दर्शकों तक पहुंचाती है। कमेंट्री बॉक्स में भी जाना चाहेंगे, लगातार कमेंट्री कर रहे हैं, पल पल की जो मैच की अपडेट्स हैं वो अपने जो भी दर्शक स्टेडियम में मौजूद हैं उन तक पहुंचा रहे हैं कि क्या स्कोर हुआ है, किस प्रकार से किस बल्लेबाज ने या फिर यूं कहें किस खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। कमेंट्री बॉक्स में जाकर बातचीत करते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मदन कलाल जी हैं। मदन जी, कमेंट्री कर रहे हैं, कमेंट्री के साथ साथ कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि प्रेस प्रीमियर लीग है, पत्रकार समय नहीं निकाल पाते अपने परिवार के लिए भी, लेकिन आपने प्रेस पिंक सिटी प्रेस क्लब ने बहुत ही अनूठा जो आयोजन है वो किया ताकि अपनी फिटनेस का भी ध्यान रखें। मेरी बात से शुरू करने से पहले ये पहला झटका लग गया, और शायद मुबारक खान आउट हुए, लेकिन कुल मिलाकर न्यूज़ इंडिया का प्रदर्शन काबिले तारीफ है। पिछले मैच को मैंने बहुत करीब से देखा था, 5 बार की चैंपियन टीम है दैनिक भास्कर, और उसको किस तरह से पहले मैच में बाहर कर दिया था, 95 रन बनाए थे प्रतीक ने, और इस टूर्नामेंट की खोज कही जा सकती है। प्रतीक, न्यूज़ इंडिया के पहली बार टूर्नामेंट में शिरकत करी न्यूज़ इंडिया की टीम, और इसके बाद में इतना बेहतरीन प्रदर्शन, बहुत ही काबिले तारीफ है। और जहाँ तक पत्रकारों की बात है, हम सब समझते हैं किस तरह से टाइम निकाल कर इस ऐसे समय में जब सबके पास में अपने अपने टारगेट्स होते हैं, किस तरह से टाइम निकाला जाए, और कम से कम 15 दिन का ये टूर्नामेंट जो होता है उसमें किस तरह से अपने आप को रिलैक्स रखा जाए, तो
ये 10वां सीजन है, बहुत ही शानदार चल रहा है। और आपको एक और बड़ी बात बताऊं, इस टूर्नामेंट के लिए न केवल इस टूर्नामेंट की चर्चा राजस्थान में है, दूसरे प्रदेशों में, इसके अलावा हमने कल जिक्र किया था अबू धाबी में शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में जो टेस्ट मैच चल रहा है अफगानिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच, वहाँ से सीधा कमेंट्री बॉक्स से लाइव जुड़े थे कमेंटेटर हमारे इस मैच के लिए। देवेंद्र सिंह जो कमेंट्री करते हैं इस पीपीएल के लिए कमेंट्री की, उन्होंने शुभकामनाएं भेजी और इच्छा जाहिर की कि जब जैसे ही टूर्नामेंट उन्हें जैसे ही वहाँ से टेस्ट मैच से फ्री होंगे इस टूर्नामेंट को ज्वाइन करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुभकामनाएं दी। इसके अलावा उद्घाटन समारोह में आपने देखा ही था किस तरह से रघु शर्मा और गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। तो कुल मिलाकर बहुत ही शानदार आयोजन, एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इस मैदान की। इस मैदान की खासियत की बात करें, यहाँ पर इसी मैदान पर पिछले दिनों विजय हजारे ट्रॉफी में शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, यशस्वी जायसवाल, केदार जाधव जैसे बल्लेबाज यहाँ पर खेल चुके हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ही शानदार क्रिकेट के लिए बहुत बढ़िया माकुल इंतजाम। वाकई में अभिनव पहला पिंक सिटी प्रेस क्लब के भी, क्योंकि पत्रकारों के लिए समय निकालना, उनके लिए ऐसा आयोजन करना काबिले तारीफ है। हमारे साथ उमेश हैं, उमेश ईटीयू भारत के सदस्य हैं, अपनी टीम की हौसला अफजाई कर रहे हैं। उमेश, ईटीयू भारत बनाम न्यूज इंडिया का मैच हो रहा है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? दोनों पहली बार सीरीज में हिस्सा ले रही है, एक एक मैच विजेता है। जी बिल्कुल, काफ़ी रोमांचक मैच है, दोनों टीमें काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है। अभी शुरुआती दौर है, काफ़ी अच्छा दोनों टीमें यहाँ पर खेल रही है, उम्मीद है कि अच्छे यहाँ पर रिजल्ट यहाँ सामने आएंगे। न्यूज़ इंडिया ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है, काफ़ी मजबूत बल्लेबाजी न्यूज़ इंडिया की मानी जा सकती है। ऐसे में ईटीयू भारत कितनी मजबूत फील्डिंग और बॉलिंग करेगी ताकि न्यूज़ इंडिया के तमाम बल्लेबाजों को शिकस्त दे सके? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं सामने जिस तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर खेल रही है टीमें, न्यूज़ इंडिया पहले भी यहाँ पर दूसरी टीम जो थी पहले वहाँ उनसे जीत कर यहाँ पर पहुँची है, और ईटीवी भारत के लिए यह पहला मुकाबला है। हालांकि प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है और सभी टीम अपनी टीम को यहाँ पर जीतने के यहाँ पर प्रयास कर रही है, और थोड़ी देर में जो है परिणाम भी सामने आ जाएंगे। तो न्यूज़ इंडिया बनाम ईटीयू भारत का मैच जो है वो लगातार जारी है। न्यूज़ इंडिया का एक झटका न्यूज़ इंडिया को लग गया, एक विकेट हो चुका है, लेकिन प्रतीक शर्मा और अभिनव दोनों सीरीज क्रिस पर जो है वो बने हुए हैं। इस मैच को इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है क्योंकि न्यूज़ ईटीयू भारत के जो स्टेट हेड हैं अश्विनी पारिक, वो भी स्टेडियम में हैं, और तमाम हौसला अफजाई पिछली बार मैच में स्टेडियम के बाहर से की थी, लेकिन आज खुद स्टेडियम में उतरे हैं, अब कंधे से कंधा मिलाकर तमाम खिलाड़ियों के साथ चल रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि ईटीयू भारत की टीम ही जीते। और इसी प्रकार से न्यूज़ इंडिया की टीम की अगर बात की जाए तो अभी क्रीज पर हैं प्रतीक शर्मा और अभिनव, दोनों ही चाहते हैं कि अच्छी बल्लेबाजी करें, मजबूत बल्लेबाजी करें। अविनाश और प्रतीक की मजबूत साझेदारी देखने वाली बात होगी, कितनी मजबूत साझेदारी रहती है क्योंकि दोनों अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। सुनील जी, एक विकेट उड़ गया है न्यूज़ इंडिया का, कितना खामियाजा? खामियाजा अगर हम देखें तो ठीक है, एक विकेट गिरने का खामियाजा है, परंतु आपको शायद जानकर खुशी होगी कि इस समय पर मैदान पर वही जोड़ी है जिसने पिछली बार कहर बरपाया था। अविनाश 35 रन और प्रतीक 95 रन के साथ में दैनिक भास्कर के साथ में अपनी जीत को प्रशस्त किया था उन्होंने, और अभी इस समय पर वही टीम, वही जोड़ी, वही जो साझेदारी है वो देखते हैं कि हम निकलने वाली है। और यही कारण है सुनील जी क्योंकि जो ईटीयू भारत के कप्तान हैं आदित्य, एक अच्छे बल्लेबाज, अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं, मजबूत क्रिकेटर माने जाते हैं, वो अब ओवर करा रहे हैं। मतलब खुद जिम्मेदारी उठाई है कि रणनीति के तहत न्यूज़ इंडिया के तमाम बल्लेबाजों को शिकस्त दी जाए, और इसीलिए आदित्य अब खुद बॉलिंग कर रहे हैं। देखिए, मैच मैच होता है, चाहे कैसा भी हो बिल्कुल रणनीति बनानी पड़ेगी, जोड़ी तोड़ने के लिए उन्हें रणनीति बनानी पड़ेगी बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि पिछला मैच भी इन लोगों ने बहुत अच्छे से करीब से देखा है तो उन्हें मालूम है कि ये जोड़ी जो है बहुत खतरनाक साबित हो सकती है, वो उनका मानना है। हालांकि न्यूज़ इंडिया का जो बैटिंग लाइनअप है वो काफ़ी आगे तक लंबा है, परंतु क्योंकि उनका मानना ये है कि इन दोनों को जोड़ी को अगर हम तोड़ने में अगर उनका प्रयास सक्सेसफुल हो जाता है, सफलता मिल जाती है, तो वाकई में उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ये ईटीयू भारत का मानना है। तो न्यूज़ इंडिया और ईटीयू भारत का जो मैच है वो लगातार जारी है, दोनों ही टीमों में उत्साह है वो देखते ही बनता है, समर्थकों में उत्साह देखते ही बनता है। देखने वाली बात होगी कि कौन सी मैच टीम का कितना मजबूत जो है प्रदर्शन होता है, क्योंकि अभी न्यूज़ इंडिया बैटिंग कर रही है और कितना टारगेट देती है ईटीयू भारत को, और ईटीयू भारत क्या चेस कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ऋचा, तो जिस तरीके से ये आपने देखा कि यहाँ पर न्यूज़ इंडिया की शानदार बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिली है, जहाँ पर प्रतीक शर्मा ने इसकी शुरुआत चौके से की,
और साफ तौर पर यहाँ पर जो टीम इंडिया जो दूसरी टीम शामिल है वो है ईटीवी भारत। लेकिन जो मुकाबला है काफ़ी ज़्यादा रोमांचक होने वाला है और मेरे साथ लगातार सहयोगी मेरे मौजूद हैं। पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाई जा रही है। लखवीर सिंह शेखावत, तस्वीर भी हम देख रहे हैं, लोग काफ़ी रोमांचक हैं, काफ़ी मनोरंजन भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से जो उत्साह नज़र आ रहा है, ये आपने एक बात सही कही थी, कभी किसी सामने वाली जो टीम को कम आंकना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से दैनिक भास्कर ने जो गलती की थी, दैनिक भास्कर ने एक तरीके से न्यूज़ इंडिया को नया टीम बताया था, एक कहा कि कभी टीम खेली नहीं है, वो चीज़ कभी भी गलती न्यूज़ इंडिया को भी नहीं करनी चाहिए, जो ईटीवी भारत भी पहली बार खेल रहा है। लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर दोनों ही टीम फिलहाल मजबूत होती हुई नज़र आ रही हैं।